हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी सॉल्यूशन मोटर स्पोर्ट्स में। आज मैं बजाज चेतक की जो हैंडल बार स्विच आती है वो क्या वर्क करती है और इसकी वजह से हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या चेंज कर सकते हैं, वो इस वीडियो में अब मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पर रेंज दिखाता है, बैटरी परसेंटेज यहाँ पर एन ड्राइव मोड वो दिखाता है, यहाँ पर किलोमीटर दिखाता है, यहाँ पर टाइम दिखाता है, यहाँ पे जो चार्जिंग में लगा हुआ है वो दिखाता है, साइज टर्न दिखाता है। इसके साथ हम अगर एक बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ट्रिप हमें दिखाता है एम, अगर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं एम को तो यहाँ पे ट्रिप रीसेट हो जाता है, आप देख सकते हैं ज़ीरो हो चुका है। उसके बाद ये यहाँ पे एसओसी दिखा रहा है 100% बैटरी, अगर हम एसओसी पर रख कर एम प्रेस करते हैं लॉन्ग में तो हम टाइम में चले जाते हैं। मैं प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं टाइम ब्लिंकिंग हो चुका है। तो यहाँ से हम एम प्रेस करके टाइम हम सेट कर सकते हैं, उसके बाद एम फिर से लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हम टाइम सेट में मिनट में चले जाते हैं। यहाँ पे एम प्रेस करके हम मिनट सेट कर सकते हैं और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके हम एम पीएम पे चले जाते हैं। यहाँ पे एम और पीएम हम सेट कर सकते हैं, एम का ये फंक्शन होता है, पूरा ये टाइमिंग सेट हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ हम ये साइड लाइट है, प्रेस करते हैं तो साइड लाइट ब्लिंक हो जाती है, फिर से प्रेस करते हैं तो बंद हो जाती है। अब ब्रेक दबा के डी दबाएंगे तो हम ड्राइव मोड में चले जाएंगे, इसके साथ फिर से ब्रेक दबा के आर दबाएंगे तो हम रिवर्स मोड पर चले जाएँगे। यहाँ पे ये प्रेस करेंगे एक बार तो ग्लव बॉक्स ओपन हो जाएगा, हमने ग्लव बॉक्स बंद कर दिया है, और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सीट ओपन हो जाएगी, ये सीट ओपन हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे हॉर्न बजेगा, इसके साथ यहाँ पे साइड लाइट ब्लिंकिंग होगी, वो प्रेस करके साइड लाइट बंद कर सकते हैं। ये प्रेस करेंगे तो आगे हेडलाइट ऑन हो जाएगी और पास वाले बटन से अपर डिपर हम कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से हेडलाइट की बंद प्रेस करने से हेडलाइट बंद हो जाएगी। इसके साथ अगर हम दो बार टैप करेंगे तो ये बंद हो जाएगी स्क्रीन, और उसको 3 सेकंड तक प्रेस करते रहेंगे तो हैंडल बार लॉक हो जाएगा। और ऐसे ही नए वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।